अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया खान amana.com के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी ये वीडियो हमारी बाकी तमाम वीडियो से बहुत डिफरेंट है और इसको बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे व्यूअर्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बनाते हैं या उनको हम मार्केट करते हैं, उन लोगों की, उनके जो डेवलपर्स हैं उनकी मार्केट स्टैंडिंग क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो उन डेवलपर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है जिसमें हम वो तमाम डेवलपर्स जिनके साथ हम काम करते हैं और वो लोग कम्प्लीटली क्रेडिबल हैं, एक अच्छी मार्केट स्टैंडिंग रखते हैं, अपने पहले से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और उनका लोगों में ऑलरेडी एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है कि ये लोग अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली डिलीवर करते हैं और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ डेवलपर्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और ये एक रेटिंग के लिहाज से उस तरह की वीडियो बिल्कुल नहीं है जिसमें हम लोग डेवलपर्स को रेट कर रहे हैं। ये बेसिकली वो डेवलपर्स हैं जो कि हर कोई अपनी जगह पर एक बहुत ही क्रेडिबल मार्केट स्टैंडिंग रखते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टाइमली डिलीवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले जिस डेवलपर के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उनका नाम है एचस्टोन। और एचस्टोन के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो करंटली इस टाइम पर काम कर रहे हैं और उसके अलावा वो डिलीवर भी कर चुके हैं। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है ओपल स्केयर जो कि गुलबर्ग में है और वो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। उसके अलावा ये लोग एक्सक्लूसिवली ग्रैंड मिलेनियम और नेक्सस के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि दहिया टाउन में मौजूद है। और उसके बाद जो सेकंड डेवलपर है जिनके बारे में मैं बात करूँगी, उनका नाम है जेम बिल्डर्स। और जेम बिल्डर्स के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम पर वो लोग काम कर रहे हैं और उसमें से कई लोग डिलीवर भी कर चुके हैं। उनमें से एक जो उनका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है उसका नाम है जेम हाइट्स। और उसके अलावा फर्दर जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं जेम गार्डेनिया, जेमार्क, जेमार्क टू, लिबर्टी टावर, लेक विस्टा हाइट्स और अर्बन नेस्ट। और उसके अलावा जो लिबर्टी टावर है उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी कम्प्लीटेड है और वो भी अपनी ऑलमोस्ट कम्प्लीशन स्टेजेस पर है। अब थर्ड नंबर पे मैं जिन बिल्डर्स की, जिन डेवलपर्स की बात कर रही हूँ, उनका नाम है जैन बिल्डर्स। तो जैन बिल्डर्स के तीन प्रोजेक्ट हैं जो कि गुलबर्ग में हैं। उनमें से एक है आर्केडिया, सिटी हाइट्स और मैनचेस्टर रॉयल। इसके अलावा सिटी हाइट्स और मैनचेस्टर रॉयल के ऊपर ये लोग एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे अब हम जिन डेवलपर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। कोहिस्तान बिल्डर्स और डेवलपर्स अपने इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में, डेवलपमेंट फील्ड में बहुत अरसे से हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं और ये कम्प्लीटली क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं और उसके अलावा ये बहुत अच्छी मार्केट स्टैंडिंग रखते हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स में से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगी, उनमें से हैं केबीडी टावर, जरकून हाइट्स और मिडवे कमर्शियल। जरकून हाइट्स और मिडवे कमर्शियल ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जबकि केबीडी टावर जो कि 18 में लोकेटेड है उस पर ये लोग इस टाइम पर काम कर रहे हैं। अब फिफ्थ नंबर पे मैं जिन डेवलपर्स की बात कर रही हूँ वो है बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन उनको सब लोग जानते हैं, वो एक बहुत ही क्रेडिबल मार्केट स्टैंडिंग रखते हैं। उनके प्रोजेक्ट कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, लाहौर में हैं। उसके अलावा करंटली जो उनका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है वो है मॉल ऑफ लाहौर। और जो उनका प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में इस टाइम पर हम लोग मार्केट कर रहे हैं, उनके साथ एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं, वो है मॉल ऑफ इस्लामाबाद जो कि पार्क लेन टावर्स के नाम से भी जाना जाता है। सो व्यूअर्स, ये वीडियो इसमें मैंने 5 डेवलपर्स के बारे में बात की है जिनके साथ हम एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं। ये रेटिंग्स के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं थी, ये 5 के 5 डेवलपर्स अपनी जगह पे बहुत ही क्रेडिबल मार्केट स्टैंडिंग रखते हैं और ऑलरेडी अपने लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स के साथ ये ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। और इस वीडियो का बहुत ही जल्द एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और भी कई ऐसे डेवलपर्स हैं, ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले भी अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया हुआ है और उसके अलावा वो अभी भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं और आप लोग बगैर किसी डर के उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने लिए भी जो बाइंग लोग करना चाहते हैं वो लोग ईजिली उनके ऊपर ट्रस्ट करके कोई किसी भी किस्म की बाइंग या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और अगली दफ़ा तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।